वीरेन जी आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पीछे क्यों आम सभा और ये प्रदर्शन उद्देश्य था आपका इसके पीछे? देखिए, हम लोग तहसील के कर्मचारी हैं, सीजनल अमीर और सीजनल संग्रह सेवक। पूरी ज़िंदगी हम लोगों ने तहसीलों में गुजार दी। किसी की उम्र 55 साल हो गई, किसी की 58 साल हो गई, कोई 45 साल का हो गया। नियमावली में एक प्रावधान है कि जो रिक्त पद जनपदों में हैं उनमें से 85% पद सीजनल संग्रह अमीनों से और 100% पद सीजनल संग्रह अनुसेवकों से भरे जाएंगे। प्रतिवर्ष जुलाई में भरने का आदेश है, लेकिन कानपुर नगर में पिछले 3 सालों से विनियमितीकरण नहीं हुआ। एडीएम डीएम को बरगला देते हैं, शासन को बरगला देते हैं। सीनियरिटी लिस्ट 2008 में बनी थी, फिर भी संग्रह सेवकों की सीनियरिटी लिस्ट 11 महीने में भी कंप्लीट नहीं हो पाई, दोबारा बनवाई जा रही, जो क्या उचित नहीं है। 2008 में जारी हुई थी, डीएम के दस्तखत से जारी हुई थी, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, फिर भी नहीं किया इन्होंने। आज बता रहे हैं रोक लग गई है, रोक का आदेश भी नहीं देते हैं। शासन कहता है कि हमने कोई रोक नहीं लगाई, परिषद कहता है हमने कोई रोक नहीं लगाई। जब ऊपर से रोक नहीं है तो या तो रोक का आदेश दिखाइए, और न्यायालय का जो आदेश दे रहे हैं उसमें हमको 100% लाभ दिया है न्यायालय ने, उन्होंने कहा कि इनको कर दिया जाए, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? अब हमारी मजबूरी है कि अब तो उम्र रह गई नहीं है, अब हमारे पास ये सारे लोग भुखमरी की कगार पर हैं, तहसील के कर्मचारी कहे जाते हैं। हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हम कर्मचारी कहे जाते हुए भी हमको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो हमने घोषणा की है कि 26 जनवरी को, अगर 25 जनवरी तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश की के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आवास पर हम लोग आत्मदाह करेंगे। मैं करूँगा, मेरे साथ उत्तर प्रदेश के हजारों लोग हमारे समर्थन में। ठीक,